हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि देख सकते हो, LIC के Q4 रिजल्ट्स आउट हुए हैं। उनमें आपका प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है बाय 466%, जो 13,428 करोड़ का होता है। डिविडेंड डिक्लेयर किया है इसी के साथ साथ। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 13,228 करोड़ हुआ है, विच वॉज 2,371 करोड़ पहले के, जो अगले पिछले ईयर में आपका 2,371 करोड़ था, उसमें से 13,478 करोड़ हुआ है। दिस वॉज बीन्स इंक्रीज 466%। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है LIC स्टॉक में। आपका लगातार आपका लोग अपने सेहत को लेके और कोविड में आपका सबसे ज़्यादा LIC कराया लोगों ने, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस है। ऊपर से सिर्फ LIC आपका हेल्थ को लेके और इसको लेके नहीं, उसके बाद आपका कॉमर्शियल का भी है, व्हीकल का भी है। तो लाइफ इंश्योरेंस देख सकते हो रिलीज़ किया है क्वार्टरली रिजल्ट्स का। स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है आपका बहुत ही बढ़िया, आपका 5 times के आसपास आपको जंप देखने को मिली है। प्रीमियम इनकम देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम कंपनी का जो था आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला है। और उसी के साथ साथ स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है 13,428 करोड़ हुआ है, जो पिछले साल 2,371 करोड़ था। अगर देखा जाए तो 5 times के आसपास आपका इंक्रीज़ किया है आपका नेट प्रॉफिट में, और 466% का इंक्रीज़ बता रहा है। तो देख सकते हो कि क्वार्टर में 8% का आपको देखने को मिला है, और अच्छा खासा 1.43 लाख करोड़ सेम क्वार्टर 1 year ago था, तो 1.3 मार्च क्वार्टर में। तो इसमें आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपका 8% का डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि पहले आपका बताया जा रहा है 1.43 लाख करोड़ का हुआ था सेम क्वार्टर एक साल पहले का, और अभी 1.31 लाख करोड़ हुआ है। तो 8% का लैगिंग है। LIC फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम हैज़ डिक्रीज्ड बाई 12%, जो 12,811 करोड़ का होता है, विच वॉज 14,614 करोड़ का हुआ था एक साल पहले। इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अब कहाँ से इंक्रीज़ किया है वो देखेंगे। स्लाइट इंक्रीज़ किया है इन्वेस्टमेंट इनकमिंग ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर में, इस मार्च क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ फ्रॉम 67,498 करोड़ से, जो आपका 67,846 करोड़। तो नेट जो कमीशन इंक्रीज़ किया है बाई 5%, जो 8,428 करोड़ का है। और सबसे बढ़िया आपको जंप देखने को मिला है, और LIC होल ईयर में कम डाउन। तो यही है सबसे बड़ी बात कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत बढ़िया ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला है, लेकिन आपका क्वार्टर बेसिस में देखोगे तो एक साल पहले का 8% आपको डिक्रीज होने को मिला है। इसी के साथ साथ आपका डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है LIC का। तो यही है LIC का आपका टोटल Q4 रिजल्ट। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।